तो जी आप सभी का सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया मेरी वीडियोस पे इतना प्यार और सपोर्ट दिखाने के लिए। सीरियसली मैंने इतना ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं किया था और आपने मेरी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा मुझे सपोर्ट दिखाया है, उसके लिए तहे दिल से आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया। और उसी के साथ स्वागत है आप सभी का इस चैनल पे। मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं नेबल निखिल। सो आई एम वेयरिंग माय यूनिफॉर्म आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम एंड इस यूनिफॉर्म को पहनने के बाद मुझे अपने कैंपस टाइम की याद आ गई है। ऑल्दो वी वर देयर फॉर ओनली वन मंथ बट बॉस इट वॉज ऑसम। सो आज की वीडियो में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट आर एक्सपीरियंस एंड शेड्यूल इन द कैंपस ऑफ एमा। तो अगर आप लोग जानते नहीं एमा क्या है, एमा इज एंग्लो ईस्टर्न मैरिटाइम अकेडमी जो कि मर्चेंट नेवी का वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट है। एंड मैंने वहाँ से 4 मंथ का प्री सीट ट्रेनिंग की है फॉर द ETO कोर्स। ऑल्दो हमारी थ्योरी क्लासेस ऑनलाइन कंडक्ट कराई गई थी बट वी वर कॉल्ड फॉर 1 month इन द कैंपस फॉर द प्रैक्टिकल्स। सो जब मैं एमा की स्पॉन्सरशिप के लिए प्रिपेयर कर रहा था तो आई यूज टू वंडर कि कौन सा शेड्यूल वहाँ पे फॉलो होता है, क्या कोर्सेज हैं और क्या क्या सारी चीज़ें हैं। इन सब के बारे में कोई भी एक डिटेल्ड वीडियो नहीं थी यूट्यूब पर। सो आफ्टर एक्सपीरियंसिंग ऑल दीज थिंग्स मैंने सोचा कि मैं ही क्यों ना वीडियो बना देता हूँ। सो वी यूज टू फॉलो दिस टाइम टेबल वेरी स्ट्रिक्टली एंड अगर आपने इस टाइम टेबल को नहीं फॉलो किया तो भाई हमारा कैंपस एक चीज़ के लिए तो बहुत ज़्यादा फेमस है, वो है पनिशमेंट्स। पनिशमेंट्स वो क्या क्या देते थे वो मैं आपको आगे इस वीडियो में बताऊंगा। सो अकॉर्डिंग टू द टाइम टेबल हमारा ब्रेकफास्ट 6:30 पे स्टार्ट होता था और हमें उससे पहले ही उठना पड़ता था। जनरली जब हम वहाँ पे नए थे तो हम 5:30 या इवन 5 o'clock भी उठते थे एंड पर्सनली मैं तो वहाँ पे सुबह सुबह एक्सरसाइज भी करता था जब हम क्वारंटीन में थे। और तो ब्रेकफास्ट स्किप करना वहाँ पे अलाउड नहीं है, अगर आप पकड़े गए तो भाई आपको क्या मिलेगा, पनिशमेंट्स। सो हम जनरली 5:30 उठ जाते थे और उसके बाद अपना मॉर्निंग रूटीन करते थे एंड उसके बाद सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती थी वो है शेव। हमें एवरी डे शेव करनी पड़ती थी और अगर आपने शेव नहीं करी देन यू नो व्हाट क्या होगा। सो 6:30 to 7:30 हमारा ब्रेकफास्ट होता था और उसके बाद हमें मस्टर के लिए बुलाया जाता था एट 7:30 एंड 7:30 हम गैदर होते थे इन द बास्केटबॉल कोर्ट। अब जिन लोगों को मस्टर के बारे में नहीं पता कि मस्टर क्या होता है, मस्टर बेसिकली अटेंडेंस होता है होल कैंपस जिसमें हम अपने कोर्सेज और क्लासेस के अकॉर्डिंग लाइन बना के खड़े होते हैं और हमारा क्लास रिप्रेजेंटेटिव हमारी अटेंडेंस देता है हमारे वार्डन्स को। तो भाई साहब अगर आप उस मस्टर में लेट आया फिर आपकी कोई शिकायत निकली तो भाई साहब पनिशमेंट मिलती थी दबा के। एंड मस्टर में हमारी रोज शेप भी चेक होती थी और हमारी यूनिफॉर्म भी चेक होती थी। सो आफ्टर द मस्टर हमारी क्लास रिज्यूम होती है। हम लोग कैंपस में बस 1 महीने के लिए थे बिकॉज हमारी ऑनलाइन क्लासेस कंडक्ट हो गई थी, हमारे पास प्रैक्टिकल्स बचे थे, इसलिए हम लोग सीधा मॉर्निंग में ही हमारी वर्कशॉप कराई जाती थी। अगर आप लोग वहाँ पे थ्योरी क्लासेस के लिए भी हैं तो मॉर्निंग में आपकी सबसे पहले थ्योरी क्लासेस होंगी और उसके बाद आपकी वर्कशॉप पे प्रैक्टिकल्स होंगे। सो थ्योरी क्लासेस के बाद आता था हमारा टी ब्रेक जिसका हम सबको बेसब्री से इंतजार होता था बिकॉज उस टाइम हम सब लोग मिलते थे और थोड़ी बहुत हंसी मजाक करते थे। थोड़े हेक्टिक शेड्यूल में हमारे को ये छोटा छोटा टाइम होता था जिसमें हम अपना मूड लाइट करते थे। सो 10:30 हमारा टी ब्रेक होता था और वो 15 मिनट के लिए होता था लेकिन हम उस पूरे 15 मिनट को वसूल करते थे। जैसे ही बेल बजती थी हम लोग भगते हुए जाते थे सीधा चाय लेने और वहां पर जाके बैठ के पूरे गप्पे लड़ाते थे। सो टी ब्रेक के बाद हमारी लैब्स कंटिन्यू होती हैं और उसके बाद हमारा लंच का टाइम हो जाता है एट 12:30। अब हम लोग पूरे दिन वर्कशॉप पे होते थे तो हम लोग पूरे दिन बॉयलर सूट पहन के रखते थे बट लंच के टाइम आप लोगों को बॉयलर सूट अलाउड नहीं है इन द कैंपस। तो हम लोग वर्कशॉप से सीधा हमारे हॉस्टल जाते थे, वहाँ पे अपनी यूनिफॉर्म चेंज करते थे, वहाँ से भाग के हम आते थे अपने मेस में और वहाँ पे खाना खा के सीधा भागते थे वापस अपने हॉस्टल में और हॉस्टल पे वापस बॉयलर सूट पहन के आते थे अपनी वर्कशॉप पे। तो जितना हम खाते थे वो सब हजम हो जाता था। 12:30 to 1:30 हमारा लंच होता था और उसके बाद हमारे क्लासेस कंटिन्यू होती थी और क्लासेस कंटिन्यू होने के बाद हमारा 4:30 पे एक और टी ब्रेक होता था। वो वाला टी ब्रेक थोड़ा स्पेशल होता था बिकॉज उसमें टी के साथ हमारे को एक स्नैक मिलता था। तो हम सबकी रेस लगती थी कि सबसे पहले चाय लेने कौन पहुंचेगा और उस बंदे को सबसे ज़्यादा स्नैक मिलेंगे। और स्नैक्स में कभी कभी समोसा, वड़ा, बिस्किट्स, रस और ऐसी चीज़ें होती थी तो जो भी पहले पहुंचता था उसके मज़े ही होते थे। सो आफ्टर 15 मिनट्स ऑफ टी ब्रेक हमारी क्लासेस कंटिन्यू होती हैं और हमें राहत मिलती है 6 बजे जब हमारी क्लासेस ख़त्म होती हैं। लेकिन 6 बजने से थोड़े मिनट पहले ही हम उम्मीद करने लगते हैं कि चलो बारिश हो जाए। लेकिन कभी कभी बारिश होती थी और कभी कभी नहीं होती थी। और इसके पीछे का राज है कि 6 बजे के बाद हमें जाना होता था क्लीनशिप के लिए। अगर आप लोगों को नहीं पता कि क्लीनशिप क्या है तो इट्स बेसिकली कैंपस की सफाई। हमारे डिफरेंट डिफरेंट एरियाज अलॉटेड थे जहाँ पे हमें ग्रुप में सफाई करनी थी। वहाँ पे जितने भी पत्ते हैं, गंदगी है, वो सब हमें साफ करनी होती थी और हमें उसको डंप करने डंपिंग एरिया में जाना होता था। बट हम लोग पूरे दिन वर्कशॉप पे होते थे और पूरा थके रहते थे तो हम लोग बहुत चालाकी से 5 मिनट में सारी सफाई कर देते थे। कभी कभी हमारे वार्डन चेक करते थे, कभी कभी हम पहले निकल लेते थे। फिर उसके बाद हम लोग रूम पे जाते थे, रिलैक्स करते थे, थोड़ा फ्रेशन अप होते थे। उसके बाद हमारा 7 to 8 डिनर होता था और डिनर हम चैन से करते थे बिकॉज उसके बाद हमारे को ज़्यादा कोई काम होता नहीं था। एंड आफ्टर डिनर 8 o'clock हमारी मस्टर होती थी
और भाई इस वाली मस्टर पे अलग ही पंगे होते थे, बिकॉज इस मस्टर से पहले हमारे वार्डन हमारे रूम पे जाके कभी भी चेकिंग कर लेते थे जब हम रूम पे नहीं होते थे। अगर किसी का लाइट खुली रह गई या फैन खुला रह गया या फिर उसने अपनी बेडशीट सही से नहीं लगाई, तो भाई अगर एक दो लोग हैं ना तो उनके चक्कर में पूरे बैच को पनिशमेंट मिलती थी। सब लोग थोड़े आलसी थे तो शुरू के दिनों में हम सब ने पनिशमेंट रगड़ के खाई हैं। जब हमारे वार्डन मास्टर के लिए आते थे तो उनकी शक्ल देख के हम पहले ही अंदाजा लगाने लग जाते थे कि भाई आज कौन सी पनिशमेंट मिलेगी। बट ये पनिशमेंट भी जरूरी थी क्योंकि इन पनिशमेंट्स की वजह से हम लोग वहाँ पे ऑर्गेनाइज रहने लग गए थे, और बिकॉज हमारे को बहुत सारी चीज़ें करनी थी पूरे दिन में, और उसके लिए हमारे को सही टाइम मैनेजमेंट भी सीखने को मिला। तो भाई पनिशमेंट के बाद हम थके हारे अपने हॉस्टल में जाते थे, और उसके बाद भी हमारे को चैन नहीं था बिकॉज हमारे को अगले दिन हमारी प्रैक्टिकल फाइल सबमिट करने होती थी, और एक मंथ में हमें 4 मंथ के प्रैक्टिकल करने थे। तो भाई इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू कोप अप। सो हम रूम पे जाने के बाद थोड़ा बहुत कॉल करते थे अपने घर वालों को, एक दूसरे से बातें करते थे, हंसी मजाक करते थे, फाइल्स का जुगाड़ करते थे कि भाई किसी का हुआ है या किसी का नहीं हुआ, और उसके बाद 10 बजे लाइट्स ऑफ हो जाया करती थी। स्टार्टिंग में जब हम वहाँ पे नए थे तो हम 10 बजे सो भी जाया करते थे, लेकिन जैसे जैसे काम बढ़ता गया हम लोगों ने सिचुएशन के साथ अडेप्ट करना शुरू कर दिया था। सो हमारे हॉस्टल की 2 साइड्स थी, एक लेफ्ट वाली थी और एक राइट वाली थी। लेफ्ट वाली के सामने ही हमारे वार्डन का रूम था, तो हम लोग क्या करते थे उस वाली साइड की लाइट्स ऑफ कर देते थे और राइट वाली साइड में जाके अपनी फाइल्स पूरी करते थे। तो एक रूम में 3-3, 4-4, 5-5 बंदे फाइल पूरी कर रहे होते थे रात के 12 बजे तक, और फिर वही लोग सुबह 5-6 बजे उठ के ब्रेकफास्ट भी करने जाते थे। सो ये एक महीना हमारे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट भी था लेकिन बहुत यादगार भी था। सो इस एक्सपीरियंस ने हमारे को बहुत सारी चीज़ें सिखाई भी और बहुत सारी यादें भी बनाई। अगर आप लोग जा रहे हैं एमा में और ये वाली लाइफ जीने वाले हैं तो भाई बी रेडी, थोड़ा सा फिजिकल एफर्ट ज़्यादा होंगे और मेंटल एग्जॉशन भी होगा, लेकिन भाई इस बीच में आप खुश रहना सीख जाओगे। सो अगर आपके कोई डाउट है या फिर कोई क्वारी है तो यू कैन आस्क मी ऑन माई इंस्टाग्राम अकाउंट जिसका लिंक यहाँ पर है। और आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। सो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड आई सी यू ऑल।